So hello guys, how are you? I hope you're fine and staying safe. I don't know. So guys, इस डब्बे के अंदर है आज हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग फिर से और पहली बार करने वाले हैं अनबॉक्सिंग इस डब्बे की यानी कि इसके अंदर है Vivo V23 Pro. Guys, मतलब कितना बढ़िया फोन है. नया नया फोन आया था, हम लोग फोन की तलाश में थे कोई अच्छा सा बेस्ट कैमरा एंड्रॉयड फोन, एंड्रॉयड नहीं कैमरा फोन मिल जाए. खैर आईफोन तो नहीं ले सकते थे, काफ़ी महंगा था और उसका कैमरा भी कुछ खास नहीं था और ज़्यादा मेरे को अच्छा भी नहीं लगता आईफोन. तो अभी Vivo V23 Pro जैसी लॉन्च हुआ था मैंने देखा तो पापा भी काफ़ी राज़ी हुए थे दिलाने के लिए. अमेज़ॉन से हमने ऑर्डर करा था इसे. पहले तो लगा था 18 जनवरी तक आ रहा है, फिर लगा कि फिर खबर आई कि आज ही आ गया तो आज मेरे को सरप्राइज़ मिली है तो फिर इसमें फ्लिपकार्ट से आया हमने ऑर्डर करा है इसमें. तो अभी इस फ़ोन की जो हम पहले मैं यूज़ करता था इसकी मतलब अभी ज़रूरत तो नहीं है. मेरा अच्छा साथी था बेचारा, मैं इसकी याद तो काफ़ी आएगी. सो इसके भी मतलब ये मेरे को मेरे मामा ने दिया था क्योंकि मेरी मम्मी को मेरे मामा ने दिया था ताकि वो यूज़ कर सके एक अच्छा फ़ोन और मैं उनका फ़ोन ले सकूँ. पर मम्मी का फ़ोन वीवो का था तो उन्होंने मेरे को दे दिया, ये उनको नहीं चाहिए था. तो मैं कवर निकाल के भी, ये कवर येल्लो हो गया, मैं आपको कवर निकाल के दिखा देता हूँ कितना प्रीमियम है ये फ़ोन. तो इसके मतलब देख सकते हैं, पर ये मम्मी के पास शायद से अब चला जाएगा. मेरे को इसीलिए ये फ़ोन दिया गया क्योंकि मैंने क्या कहते हैं काम में वीडियोज़ बनाता हूँ. कैमरा इसका अच्छा है, कैमरे की भी बात करेंगे कितने एमपी वगैरह सब कुछ करेंगे. तो मेरे को ये पापा ने इसीलिए दिया है कि गिफ्ट है, इसीलिए मेरे को ये गिफ्ट दिया क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में मतलब 5th के भी टॉप करा था और 6th के भी टॉप करा था. 6th के हाफ ईयरली में टॉप करा, 5th के हाफ ईयरली और उसमें दोनों हाफ ईयरली में भी टॉप करा और फाइनल में भी. तो हाफ ईयरली में मैंने टॉप करा था उस दक्ष के साथ कंबाइन था हाफ ईयरली में, हम 5th की बात कर रहा हूँ मैं. सो अभी ये क्या कहते हैं फिर फाइनल में मैं इंडिविजुअल था. सो दक्ष सेकंड था, सूर्यांश दक्ष सेकंड था और एक और हमारे क्लासमेट है वो थर्ड था सूर्यांश. सो आपको शायद से हमने देखा होगा उसे भी. सो अभी इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, कॉस्ट वगैरह सब बताऊंगा मैं अनबॉक्सिंग के बाद. सो लेट्स इन द वीडियो वेस्टेज ऑफ टाइम. सो गाइस मैंने यहाँ पर कैची है वो गिर गई है, सॉरी. एक्साइटमेंट हो रहा है गाइस, मतलब पहली बार इतनी महंगी गिफ्ट आई है मेरी, मतलब ये छीन तो कह रहे महंगी सॉरी. सो अभी इसको क्या कहते हैं अनबॉक्स करते हैं. सो देखते हैं अभी ये Vivo V23, अगर आपको नहीं पता सब कुछ बताऊंगा. शायद से मार्केट में लॉन्च अभी नया नया बस कल ही 10 जनवरी को लॉन्च हुआ है और हमने परचेस करा था इसे 11 जनवरी को. खोलते हैं इसे, पहले टेप से काट लेते हैं. इसको ये टेप भी है यहाँ पर, इसे भी काटना पड़ेगा साइड से, काफी अदब से काटेंगे इसे हम. एक काट दिया, ओके. सो इसे साइड से यहाँ पर भी काट देते हैं. खैर गाइज मैं बता दूं कि उसमें क्या कहते हैं टॉप करा था जब मैंने, तो मेरी रिमोट कंट्रोल कार 2000 रुपीज़ की अनबॉक्सिंग मैंने भी उसकी भी दी हुई है, आप आई बटन पर चेक कर सकते हैं मिल जाएगी आपको. सो उसकी भी मैंने अनबॉक्सिंग डाली, आप देखना. वो मेरे को फाइनल में मिली थी. सो वो मेरे को एज अ गिफ्ट मिली थी फाइनल में. गाइज मैं अनबॉक्स करने से पहले ये भूल गया, सैनिटाइज ही नहीं करा मैंने गाइज. तो अभी तो कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मैं सैनिटाइज कर रहा, भूल गया. ओके लेस आई एम. सो गाइज अगर आप भी इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, अगर कोई भी सामान आए तो इसे बॉक्स ओपन कर देते सैनिटाइज. कोई भी सामान आए किसी भी, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करें कोई भी सामान लो तो उसे या तो 24 घंटे तक धूप में रख दीजिएगा या 24 या 5-6 घंटे तक धूप में रख दीजिएगा तो वायरस मर जाएगा. या फिर 24 एक दिन के लिए 24 घंटे तक उसे क्या कहते हैं मत छूइएगा अगर आप धूप में नहीं रख सकते तो. उसे वहीं पर पड़े रहने दीजिएगा. इसको यहाँ से भी सैनिटाइज सारी जगह से कर देते, अगर ज़्यादा अच्छे से होगा तो नहीं, बट फिर भी प्रिकॉशन सेफ्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कब से ऐसे टूटी है सो अभी इसे यहाँ पर भी कर देते हैं. ओके सो भी
गाइस मैं वीडियो ऐसी बनाने जा रहा था, मैं पॉज था मेरा वीडियो, सो मैं एक्सप्रेशन मेरे रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया वीवो V23 के, सो मैंने अनबॉक्स से कर दिया खाली। ये दो यहाँ पे मैनुअल है, सो ये मैनुअल है, इसमें भी पीछे ऐसा है। सो गाइस ये वीवो V23 ब्रो का बॉक्स ऐसा है, 128 GB वेरियंट 5G फ़ोन है, कितना मस्त बॉक्स है, पैसे से पहली बार ऐसे देख रहा हूँ। सो अभी इस फ़ोन की मतलब हम करेंगे अनबॉक्स, ये बॉक्स है अब इसका, पहले तो वो फ्लिपकार्ट का पार्सल वाला हटाया था अभी ये। सो अभी इसको यहाँ से भी पन्नी इसकी खोल लेते हैं। श्री गणेश, जय गणेश जी, गणेश जी की जय, सरस्वती माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी देवी की जय, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जो बोले सोने हाल, सत श्री अकाल। अब सारे भगवानों का नाम लेके इसे खोलते हैं। तो ऐसे गाइस काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं अब इसको खोलने के लिए। इतने दिन बाद मेरे ये फोन आया है, गाइस चमचमाता वो दिख रहा है मेरे को। गाइस ये देख सकते हैं आप वीवो V23 प्रो। गाइस ये मैं इसे साइड में रख देते हैं। कैची आपका काम हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना रोल अदा करा है। अब गाइस है इस मोमेंट को कैप्चर कर ही रहा हूँ, सॉरी इस मोमेंट को गाइस आप याद कर लेना, टाइम लिखा हुआ है 6:42, इसे कर देना। तो इसको अभी अनबॉक्स करने वाले हैं एंड 3, 2, 1 हियर वी गो, कम ऑन लेट्स ओपन इट, ओपन ओपन, अरे खुल जाए यार, अरे यार गाइस ये खुल ही नहीं रहा, अरे खुल जा भाई, मैंने इतनी मेहनत से तेरे को अनबॉक्स करा है। ओ ये नीचे फटानी पड़ती इसके लिए, यहाँ से वीवो की चिप है, डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन, ओके सील ब्रोकन, और इफ सील हैज बीन ब्रोकन और टेम्परेड डू नॉट गिव क्लियर रिसिप्ट अनलेस कंटेंट्स आर एक्सक्लेम्ड इन प्रेजेंस ऑफ डिलीवरिंग एजेंट। सो गाइस इसे चिप नहीं टूटनी चाहिए, इसको तो आराम से बहुत ही ध्यान से खोलना पड़ेगा अभी। अरे जा, अभी बड़ा बॉक्स है गाइस, जैसे उसका भी था पर उसका तो पैकेजिंग था, ये काफी बड़ा बॉक्स है वीवो का। अरे या, सो गाइस दिस इज द मोमेंट वी आर वेटिंग फ्रॉम फॉर। अरे हट जाना है यार, सो तेरे को साइड में रख देता, काफ़ी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद तूने अपना अच्छा रोल प्ले करा। सो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल, अम्बे मात की जय, लक्ष्मी देवी की जय, सरस्वती माता की जय, लक्ष्मी देवी की जय, सरस्वती माता की जय, श्री गणेश जी करते हैं इसका, जय गणेश जी, जय गणेश जी, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। अब इसे अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस दिस इज द 8:44 पे आप कर रहे हैं, सो गाइस दिस इज द मोमेंट वी आर वेटिंग फॉर, 3, 2, 1 एंड हियर वी गो। ये गाइस, गाइस ये मतलब मेरे लिए अनबिलीवेबल मोमेंट है। सॉरी गाइस, तो अभी इसे करेंगे यहाँ पर है गाइस, अभी ये देख सकते हैं ऐसे बॉक्स को यहाँ पर है, तो लेट्स कीप दिस असाइड एंड कुछ इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ेंगे पर इसको। सो गाइस इसको निकालते हैं, ओ माय गुडनेस, सी गाइस, अरे निकालना तो भूल गया, सॉरी गाइस, इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ पर निकल ही नहीं रहा, ये ऐसे निकलता क्या, अच्छा पता नहीं गाइस, कर
गाइस इसे मतलब मुश्किल से निकल रहा है मेरे से। अरे खुल जा खुल जा, खुल ही नहीं। अच्छा ऐसे निकलेगा। सो गाइस दिस यू कैन सी हाउ स्लिम इज दिस मैन, कितना पतला है, फीलिंग लाइक अ ज्वेलरी, सही बोलते लोग इसको। और गाइस इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, सो इसमें और इसमें मतलब इंडिया इसमें टच से ही फिंगरप्रिंट है जो आजकल नए स्मार्टफोन्स में हो रही है। सो इसको साइड में, लेट्स कीप दिस असाइड, इसमें लिखा है वीवो V23 128WG 1.22, बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। WG@1G head 0.3 WKG 1 body 8GB plus 128GB RAM plus 128 variant है गाइस इसका। 256 की बात हो रही थी पर काफ़ी महंगा था, सो मतलब 4000 का फर्क पड़ रहा था उसमें, सो हमने ये ले लिया। बट गाइस ये ज्वेल जैसी फीलिंग दे रहा है गाइस, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा मेरा इतना मतलब बेस्ट फ़ोन आ गया। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने सही में ऐसे फ़ोन को पकड़ा है। सब भगवान वाहेगुरु जी और सारे भगवानों की, लक्ष्मी देवी और विष्णु माता की वजह से हुआ है, और सबसे ज़्यादा मतलब और उनका तो है ही, पर मेरे पापा ने भी बहुत इसके लिए करे हैं। मतलब पापा ने मतलब दिलाया मेरे को, तो थैंक यू वेरी मच पापा, अगर आप वीडियो देख रहे हो, मेरे पापा ने दिलाई है तो बहुत उनका मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। उन्होंने मेरे को इतनी बेस्ट गिफ्ट दी है, मैं सबसे दुनिया की बेस्ट गिफ्ट मेरे को मिली है अभी तक। सो अभी इसको यहाँ पर, सो अभी ये देख सकते हैं ये है, जो अभी इसके बाद इसको असाइड, लेट्स कीप दिस असाइड, हाउ मच प्रेशियस फोन इज दिस। सो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई, वीवो V23 ये सब लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो अभी इस बॉक्स को भी यहाँ से खोलते हैं, कोशिश करते हैं, ये ऐसा है तो इसमें ऐसे रखा था। सो ये वीवो इसमें लिखा हुआ है एनग्रेव्ड होकर, जैसे यहाँ पर साइड में रख देते हैं। सॉरी गाइस, दिस इज द वाइट कवर, ट्रांसपेरेंट कवर, अच्छा है, मस्त, काफी मस्त है। सो वी कैन से वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस थिंग वी आर अनबॉक्सिंग एवर, मतलब वन की सबसे प्रेशियस थिंग अभी अनबॉक्स करी है हमने। सो ये सब कुछ मिला है हमें, कार्ड भी मिले हैं, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वारंटी कार्ड है ये सब। सो इसे भी संभाल के रखना पड़ेगा, इसका कुछ छत से है, ये अपीरियंस के बारे में है, ये सारी चीज़ें आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, चाहे देख सकते हैं इसको, ऐसे कुछ दिखा देता हूँ आपको, पॉज करके भी देख सकते हैं। सो इसे भी असाइड रख देते हैं, एंड दिस ऑल्सो वी विल कीप असाइड। एंड गाइज ये चार्जर है, चार्जर है गाइस, तो इसे भी साइड में रख देते हैं। और ये चार्जिंग केबल है शायद, हाँ ये चार्जिंग केबल है, तो इसे भी हम साइड, नहीं सॉरी ये ईयरबड्स है वीवो के, सॉरी गाइस ये ईयरबड्स है, सो इसमें ईयरबड्स भी आए हैं, लेट्स कीप दिस असाइड। एंड गाइस अभी मैं काफ़ी बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। सो आई थिंक दिस इज द चार्जिंग केबल थिंक है, इसमें करना, इसमें ये है पूरा चार्जिंग केबल। सो इसे भी निकाल लेते हैं। ओके सो वी आर टेकिंग दिस ऑल्सो, सो ये चार्जिंग केबल है। सो बात करेगा इसकी, ओह सॉरी ये तो मैं भूल ही गया इसको ऊपर ना, ये क्या है गाइस, आई डोंट नो दिस, एक सेकंड गाइस, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या है पता नहीं गाइस, ये क्या है, मैं पूछ के आपको मतलब जैसे भी होगा मैं बताऊंगा ज़रूर, मतलब शायद से बताऊंगा पर इस वीडियो में पता चल गया। सो अभी इसे साइड में रख देते हैं, आराम से। सो बात करें इसकी स्क्रीन की, सो इट इज़
कर्व्ड स्क्रीन देख सकते हैं, साइड में एजेस दिख रही हैं, बहुत स्लिम है, काफ़ी बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी है। तो इसमें और इसमें सनशाइन है, सो इसमें कलर चेंज होते हैं सन के अकॉर्डिंग, डिफरेंट लाइट्स के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे चेंज करके बैक स्क्रीन के पैनल के कलर चेंज होते हैं। अभी तो नहीं हो रहे होंगे पर इसमें कलर चेंज होते हैं, इस पर शायद से मैं वीडियो ला सकता हूँ, अभी कंफर्म नहीं ला सकता हूँ, पर इसके नहीं होते गाइज, इसके नहीं होते, इसके होते पूरे, बस इसके नहीं होते कैमरा के। और इसमें लिखा हुआ है 108 मेगापिक्सल कैमरा, आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, ये 108 क्योंकि ये प्रो है, ट्रिपल कैम है इसमें, तीन कैमरे हैं यहाँ पर है, और इंडिया फर्स्ट डुअल फोन है। सो ये दो फोन हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप, और बाकी ये इसमें फ्लैश लाइट भी पीछे ऐसी है। और इसमें गाइस यहाँ पर सामने अगर बहुत अंधेरा हो ना तो फ्लैश लाइट से भी हम लोग बना सकते हैं वीडियो, मैं आपको बताऊँगा। एंड बात करें इसकी, सो इसके कैमरा, इस 108 मेगापिक्सल के कैमरा है ये, 2 MP का शायद से ये है कुछ होगा, मेरे को ये दोनों के याद नहीं, पर इस तीनों के बैक के फ्रंट कैमरा सॉरी 108 है। और ये डुअल सेल्फी कैमरा है, ये 50 मेगापिक्सल है। तो हमें एक वीवो का फ़ोन दिखा था, जो वीवो के फ़ोन कैमरे में अगर आपको लेना तो बेस्ट होते हैं, हमें वीवो का एक नया फ़ोन दिखा था उसमें भी, नया नहीं सॉरी, वीवो का एक फ़ोन दिखा था उसमें भी ऐसे ही कुछ कैमरेज थे, 108 मेगापिक्सल वगैरह के, नहीं सॉरी, पीछे के बैक कैमरा था, फ्रंट कैमरा था 64 मेगापिक्सल, और सेल्फी का था 50 मेगापिक्सल, पर इसमें तो 108 भी आ रहा है और 50, सो दिस इज़ द बेस्ट कैमरा फोन आई थिंक लॉन्च्ड इन इंडिया। सो ये काफ़ी, मतलब इट फील्स लाइक ए ज्वेलरी जैसा लगता है हमें, काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा फ़ोन है, मतलब बहुत ही काफ़ी मस्त फ़ोन है ऐसे मैं बात करूँ। आप अगर आपको, आपका बजट 40,000 के करीब है, जैसे लाइट चेंज हो रहा है गाइस, चेंज हो रहे हैं बैक पैनल चेंज हो रहा है, सो अगर आपका बजट 40,000 के करीब है सो आप इसको ले परचेज कर सकते हो, बेस्ट फ़ोन एवर। सो अगर आप करने की सोच रहे हो, सो अभी बात करें इसकी परचेज करने की फ़ोन, सो देखिए गाइस अभी बात करें इसकी क्वालिटी की, मतलब ये गाइस 2 मिनट, ये क्या है, ये गाइस सिम कार्ड, सिम लगाने के लिए ये बन दिया गया है, इस हार्ट शेप का है यार, मतलब मस्त है। सो बात करें इस फ़ोन की, सो बेस्ट फ़ोन प्रोडक्ट एवर आई फेल्ट, अभी देखते हैं यूज़ करने में भी पता चलेगा, पर क्वालिटी इसकी काफ़ी गजब है गाइस, मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का फ़ोन है। एंड बैक पैनल ये सब हो गया, बॉक्स भी इसको यहाँ पर थोड़ी कुछ पढ़ लेते हैं, सनशाइन गोल्ड, 8 GB प्लस 128 GB नेटवर्क लाइट, ये सब है, मेड इन इंडिया है। सो अभी इसको हम लोग यहाँ पर करें, यहाँ पर मतलब मोबाइल फ़ोन है, नेट क्वालिटी 1 यूनिट है, वीवो V23 मॉडल है, स्क्रीन साइज 16.65 cm है, नेम ऑफ द कम्युनिटी मोबाइल फ़ोन रुपीज़। सो गाइस इसकी MRP की अब बात करते हैं, कॉस्ट की जो आपको बताना चाहूँगा, 41,990। सो यहाँ पर अभी ये सारी चीज़ें देखने को मिल गई हैं, 41,000 का है गाइस ये, 41,000। सो डिस्काउंट में हमें सारे कार्ड्स के ऑफर के और डिस्काउंट सब में पड़ा है, अभी डिस्काउंट सेल है ही नहीं, उससे पहले हमने खरीद लिया, मेरे को थोड़ा जल्दी में था, पापा मम्मी मना कर रहे थे पर फिर भी एक्साइटमेंट था, तो पापा मम्मी मान गए मैंने, क्योंकि काफ़ी मेहनत करी थी पढ़ने के लिए। तो सो अभी OLED स्क्रीन है इसकी, OLED डिस्प्ले है, एंड इसकी हमें सब डिस्काउंट्स वगैरह सब मिलाकर पड़ा है कुल 37,900 का। सो ऑलमोस्ट 100 रुपये कम से तो कम थे, क्या कह रहा हूँ मैं, सो 38,000 आप मान लीजिए। तो गाइज आप देख सकते हैं इसके कलर चेंज हो रहे हैं, कलर चेंज हो रहे हैं बैक टेम्पलेट के गाइज, मतलब काफ़ी मस्त मेरे को लुक आ रहा है इसमें गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे करा तो ये चेंज हो गया, ऐसे करा, अरे गाइज सो ऐसे हो रहा है गाइज, मतलब हिलाने पर होता है, तो मस्त है काफ़ी चीज़ें इसकी, मतलब काफ़ी कूल फीचर्स हैं तो, पर बहुत फ़ोन के मतलब लुक्स में भी काफ़ी बेस्ट फ़ोन है गाइज ये।
अभी इसके बात करें गेमिंग की, गेमिंग भी काफ़ी अच्छी हो सकती, काफ़ी स्मूथ लग रहा है, गेमिंग बहुत अच्छी होगी इसमें। 1200 cc का इसमें, 1200 cc का ये है। सो काफ़ी मस्त फ़ोन है इसमें, मतलब काफ़ी बढ़िया है इसमें। पर एक्सटेंडेबल चिप नहीं है, सो मेमोरी इसमें एक्सटेंड नहीं कर सकते हम। सो वो एक ड्रॉबैक है, पर काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कर्व डिस्प्ले वगैरह सब कुछ, पापा को तो बहुत ही, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो अभी इसे ऑन करते हैं, वीवो 5G पावर एंड्रॉइड। गाइस मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, भाई साहब लग रहा है एकदम शोरूम पे देख रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है। इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा होगा क्लियर शट से आपको, अब देखा ये ऐसा लिख के आ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है खुलने में। ओके हेलो, इसमें लिख क्या रहा है, लैंग्वेज कौन सी चूज़ करनी है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ऑक्सिलरी सेटिंग्स ऑलरेडी, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स में हम क्लिक कर देते हैं। टैप 3 times टू स्टार्ट। एक सेकंड गाइस, मैं इंग्लिश का यूनाइटेड स्टेट्स में कर दूं, एंड सिलेक्ट लोकेशन। सो अभी कुछ एग्रीमेंट पढ़ते हैं गाइस। सो गाइस मैं इसको यहाँ पर मैंने कर दिया है ख़त्म। सो अभी ये 40 ये है 40, सॉरी क्या कह रहा हूँ, 40 watts का ये चार्जर है, बात करें चार्जर की। और ये 190 Hz का रिफ्रेश रेट है इसका। एंड इसको अभी मैं, इसमें ये आ रहा है, तो कनेक्ट कर बाद में कनेक्ट करूँगा अभी इसे। सो अभी इसे बंद कर देते हैं, सारी फिंगरप्रिंट से स्क्रीन पे डालूंगा। और मतलब कभी शॉर्ट्स में या फिर कैसे ही आपको इसके फीचर्स थोड़े बहुत दिखाने की कोशिश करूंगा, शायद से, कंफर्म नहीं है। अभी पर बहुत ही शायद से अलग वीडियो आ सकता है उसका। पर गाइस बहुत बढ़िया फ़ोन है, मैं बताऊँ प्रोडक्ट रिव्यू की, बहुत मस्त क्वालिटी का फ़ोन है। अभी जो है मैंने शाओमी का भी देखा था, 25,000 का, वो भी लॉन्च हुआ है नया। वो भी काफ़ी अच्छा, वो भी चाइनीज़ फ़ोन था, 25,000 का था। बैक कैमरा उसका, फ्रंट कैमरा सॉरी, 108 मेगापिक्सल का था। और इंडिया फास्ट फ्रंट सेल्फी का नहीं पता, सेल्फी का कमी था इससे, 50 इस वाले से। पर वो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग फ़ोन था, 15 मिनट में चार्ज 400% हो जाता, वो भी देख रहे थे, पर वो बाद में आया था। पर ये उससे काफ़ी बढ़िया था, तो ये लिया है हमने इसीलिए। ये मतलब, और 256 GB 44-45,000 तक का आपको पड़ जाएगा, 256। ये फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज करा था, मैंने गाइस पानी नहीं पिया, खेल के आया हूँ, फिर मैं, मेरी टंग स्लिप हो रही है गाइस, खेल के आया हूँ मैं, मैंने पानी बस एक बार पिया, फिर भूल ही जा रहा हूँ कंटिन्यूसली, 20 मिनट से, 23 मिनट, आधे घंटे से सेटअप वगैरह करा, मैं भूल ही जा रहा हूँ। मतलब गाइस ये पर ज्वेल जैसा लगता है, कलर चेंज हो रहे हैं गाइस, आपको दिखाऊँ, देख होपफुली दिख जाए, ये देखिए गाइस, थोड़ा सा जैसे क्लियर नहीं दिख रहा है पर गाइस, पर कलर चेंज हो रहे हैं, देख सकते हैं आप इसमें रेडिएशन थोड़ा सा। तो अभी बारी हर बार की तरह, ओ गाइस, सो गाइस प्रोडक्ट रिव्यू अब करने की बारी आ गई, जो हमने इस पे कंसेप्ट अनबॉक्सिंग ईयरबड से स्टार्ट करा था। अभी पापा तो ऑफिस में है, मम्मी से ही अभी मैं प्रोडक्ट रिव्यू पूछता हूँ। मम्मी आपको कैसा फोन लगा? मम्मी ने अगर बोल दिया तो बहुत होगा, मम्मी पहले आप छू के देख लो। It's amazing. It's very nice and it's very fancy and very elegant in looks. And I must say, it is the one of the best phone of India. थैंक यू मम्मी, इट्स माई प्लेजर। मम्मी ने मतलब तारीफ कर दी बहुत बड़ा, मैंने पिछली वीडियो में भी तारीफ करी थी, उन्होंने बहुत बड़े काम हो गए, क्योंकि मम्मी ने अगर करा है तो बहुत ही मतलब अच्छा। मम्मी काफ़ी, मम्मी एकदम क्लियर बोलती हैं। मम्मी ने तारीफ कर दी, कन्विंस कर दिया उन्हें, तो बहुत ही अच्छा फ़ोन है गाइस। आप भी अगर ले रहे हो फ़ोन, 40,000 में बजट है, तो ये बेस्ट फ़ोन है, आप ले सकते हैं, कैमरे वाइज भी और स्क्रीन वगैरह सब, डिस्प्ले बेस्ट, ब्राइट काफ़ी है। अभी अगले इसमें फीचर्स की टेस्टिंग वगैरह सब करेंगे। अभी तो अनबॉक्सिंग ही था, हो सकता है वो पार्ट आए।
अभी आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ आवर वीडियो। सो बाय गाइस। जय हिंद जय भारत।